हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं और जब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करा देंगे तो क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट तैयार होगा और उस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये है फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन के क्या पूछा गया है कि भाई जिस पॉइंट पर वो लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगा कौन, एक्स एक्सिस, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो दो चीज़ हम लोगों को फाइंड करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं प्लेन में इनको लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लेट किया कि ये पॉइंट होगा ए और ये पॉइंट क्या है बी, और जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराया जाता है तो एक लाइन सेगमेंट तैयार हो जाता है ए बी, और इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस, देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करता है। तो अब हम लोगों को फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को रेशियो फाइंड करना होता है तो क्या लेट करके चलते हैं, के रेशियो 1 लेट करके चलते हैं। और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लोग कहीं भी कंसीडर करें, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो ठीक है, तो हम लोगों ने लेट कर लिया पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो के रेशियो 1 एट पॉइंट पी, जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा जीरो है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। और जब हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो हम लोगों को जो पहला पॉइंट दे रखा होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को तो हम लोग लेट करके चलते हैं एक्स वन वाई वन, और पहले पॉइंट की तरफ जो रेशियो है उसको माना जाता है एम वन, करेक्ट है। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान के चलते हैं एक्स टू वाई टू, और उसकी तरफ जो रेशियो में नंबर दे रखा होता है इसको मानते हैं हम लोग एम टू, करेक्ट है। अब क्योंकि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को क्या पता है कि एक्स कॉमा जीरो है, तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट जीरो हो तो हम लोग उसी कोऑर्डिनेट का यूज़ करके आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो भैया क्या जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं किसके लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो वाई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, और अपॉन में क्या होता है, एम वन प्लस एम टू, करेक्ट है। चलिए रखिए वैल्यूज, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख दें, यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने जीरो, एंड दिस इक्वल टू एम वन क्या है इस केस में, एम वन की वैल्यू है क्या, के, इन टू वाई टू कितना है, देखो वाई टू कितना है, फाइव है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा फाइव, प्लस एम टू वाई वन है, तो एम टू कितना है, एम टू है वन, और वाई वन कितना है, माइनस का फाइव, तो यहाँ रखा हम लोगों ने वन इन टू में माइनस का फाइव अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो एम वन है कितना, के, और एम टू है कितना, वन, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने के प्लस वन। अब के प्लस वन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो के प्लस वन का मल्टीप्लाई जब जीरो के साथ किया जाएगा तो क्या मिलेगा, जीरो, एंड दिस इक्वल टू फाइव का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो फाइव के वन, और माइनस फाइव कितना हो गया, माइनस का फाइव, इसको कर देते हैं इधर ट्रांसपोज, तब लिखा जा सकता है कि फाइव के इक्वल टू फाइव, मतलब k की क्या वैल्यू निकल के आ जाती है, 1 निकल के आ जाती है। सो दिस इम्प्लाइज के k रेशियो 1, लेट किया था ना हम लोगों ने रेशियो, तो क्या लिखा जा सकता है, सो दिस इक्वल टू 1:1, सो व्हाट इज द रेशियो इज 1:1। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे निकालने हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, p, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा जीरो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी जीरो दे ही रखा है। ठीक है, तो क्या करें, अगेन सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं, तो अगेन यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो अगेन हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू वॉट, ये होगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, और अपॉन में क्या, एम वन प्लस एम टू, जस्ट क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है, तो एम वन की जगह पे क्या रखें, के, और के ऑलरेडी फाइंड कर लिया ना, कितना, k की वैल्यू तो 1 है ना, तो रखिए भाई 1, x2, x2 कितना है, देखिए माइनस का 4, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने माइनस का 4, प्लस m2 x1 है, तो m2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो
तो रखिए 1, और एक्स वन, एक्स वन कितना है 1 है इस केस में, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 1 अपॉन में एम वन प्लस एम टू, तो एम वन भी 1 है और एम टू भी 1 है। सो दिस इक्वल टू 1 और माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का मतलब 2, तो क्या निकला फाइनली माइनस का 3 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू निकली माइनस का 3 अपॉन 2। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, तब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं क्या माइनस का 3 अपॉन 2 कॉमा 0, यानी कि इस पॉइंट पर x एक्सिस गिवन लाइन सेगमेंट को कट करेगा और ये हो जाता है दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।